नेक्स्ट टॉपिक इन द रो इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन डिफरेंट स्टेजेस में अकर करता है. ओके एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेदर इट अकर्स इन द स्मॉलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, या फिर हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हो, चाहे ह्यूमंस हो, मंकीज हो, एप्स हो, एंड एनी अदर रेप्टाइल, मतलब कोई सा भी ग्रुप ले लो, जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे एक बेसिक कॉमन जो पाथवे है वो फॉलो होता है. इट्स लाइक यू नो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब ये तीन चीज सब में कॉमन है इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप दे बिलोंग टू. ठीक है, और इनमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, दैट इज नेम इटसेल्फ नाउ हैज द मीनिंग, जो फर्टिलाइजेशन है उससे पहले के जो इवेंट्स होते हैं, तो उसमें दो इवेंट्स हैं बेसिकली. एक है गैमेटोजेनेसिस. अब यहाँ पे अगेन द नेम हैज द मीनिंग, गैमेटो यानी गैमेट, जेनेसिस यानी सिंथेसिस, फॉर्मेशन. तो यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में गैमेट का ट्रांसफर होता है, मतलब फ्रॉम मेल टू फीमेल. अब ट्रांसफर की डिटेल व्हेन वी विल डील विद द टॉपिक दैट टाइम हम देखेंगे. और आफ्टर द गैमेट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, फिर ये प्रोसीड करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन में एग्जैक्टली एज सच कोई हमें डिस्कस नहीं करना है ज़्यादा, इट्स बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म सिनगेमी बोलते हैं. तो हम उसकी डिटेल्स देखेंगे. एंड एक बार जब ये सिनगेमी होके जाइगॉट बन जाता है, तो हम जाइगॉट फॉर्मेशन की डिटेल्स एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियोजेनेसिस. अगेन यहाँ पे भी नेम से मतलब आ रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है. एंड माइंडेड वन थिंग, ऑल दीज इवेंट्स विल टेक प्लेस ओनली इफ ऑर्गेनिज्म हैज अटेंड सेक्सुअल मच्योरिटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट? तो फाइन, दीज आर द इवेंट्स. अब इनको वन बाय वन लेते हैं. सबसे पहले मैं लेती हूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. सो गैमेटोजेनेसिस, एज द नेम सजेस्ट देयर, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट फॉर्मेशन. ओके, सो गैमेट का बनना. अब एक और क्वेश्चन आता है, गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट है क्या? तो गैमेट आर चिल्ड्रन दी हैप्लॉइड सेल्स विच टेक पार्ट इन दी रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो अब गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया है, ठीक है, लेकिन गैमेट्स क्या, जैसे मैंने कहा कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये राइट फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप टिल द हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स, जो सब में बेसिक स्टेजेस सेम रहते हैं, तो क्या गैमेट्स भी सेम होते हैं? नो, गैमेट्स डिफर करेंगे. कैसे डिफर करेंगे, मतलब डिफर भी करेंगे, सेम भी रहेंगे, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लूंगी, द एग्जाम्पल विल बी द क्लैडोफोरा. ओके, क्लैडोफोरा बच्चों एक एल्गी होता है, ठीक है, और इस एल्गी के गैमेट्स आप देखोगे तो कहोगे ये क्या है, बताओ क्यों? ये देखो, द गैमेट समवट लुक्स लाइक दिस. ओके, एंड दिस वे द गैमेट लुक. एंड इन गैमेट्स को आप देख के बता सकते हो मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? नहीं ना, दे लुक सो सिमिलर. दो सिमेट्री वाइज मेरी थोड़ी सी इधर हुई है, बट आई हैव ट्राइड अ लॉट टू मेक इट होमो वन. ओके, बट स्टिल आपको समझना ये है कि दे आर होमोगैमेट्स. जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो है होमोगैमेट्स. क्या है होमो? होमो मीन्स सेम, सिमिलर लुकिंग गैमेट्स. ओके, जिसमें हम मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी गैमेट्स होते हैं. और एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया क्लैडोफोरा, जो कि एक एल्गी होता है. लेकिन देयर आर डिफरेंट गैमेट्स ऑल्सो. इसके एग्जाम्पल्स सबसे बेटर है, एग्जाम्पल हम पहले तो ले लेते हैं फ्यूकस का.
फ्यूकस बच्चों एक ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है, केल्प द जायंट एल्गी, ब्राउन एल्गी, यू नो 11th में आपने करा है, जो मराइन होते हैं, ब्राउनिश होते हैं कलर इन, तो उनके जो गैमेट्स होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं. लाइक दे गो लाइक दिस, दे हैव अ सर्कुलर फीमेल वन, ओके, जो कुछ ऐसा सा दिखता है, एंड मेल गैमेट थोड़ा सा, देखो आप साइज देखो, द डिफरेंस इन द साइज, सी द फीमेल वन इज सच लार्ज वन, वेर एज मेल वन जो होते हैं वो छोटे से होते हैं. सो दिस वन इज अ फीमेल एंड दिस वन इज अ मेल गैमेट, तो साइज में डिफरेंस देखो आप. सो एक तो ये, दूसरा एक और मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे ह्यूमंस का. ह्यूमंस के जो गैमेट्स होते हैं वो भी अगर आप देखो, सो दे गो लाइक दिस, दे हैव अ सेंट्रल कैविटी हियर एंड देन सराउंडेड बाय द लेयर, जोना पेल्यूसीडा बोलते हैं बच्चों इस लेयर को, ठीक है. एंड इसको मैं थोड़ा सा शेड कर दूं टू गिव इट अ लुक ऑफ अ प्रॉपर गैमेट हियर, ठीक है. सो दिस इज हाउ अ फीमेल गैमेट ऑफ ह्यूमंस लुक लाइक साइज वाइज इतना बड़ा होता है. वेयर एज अगर मैं मेल गैमेट बनाऊँ ह्यूमंस का, तो ये कुछ ऐसा सा, समथिंग लाइक दिस, इट गोज इस तरीके से. सो दिस इज वॉट इज अ मेल गैमेट एंड दिस इज अ फीमेल गैमेट. तो इस तरीके से आप डिफरेंस देखो दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स में. तो ये मैंने आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल बताया, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हीटरोगैमेट्स, मतलब ये दोनों जो गैमेट्स हैं ये हीटरोगैमेट्स हैं, बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम, मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके. और बच्चों मेल और फीमेल गैमेट्स, इनको हम एग्जैक्टली नेम्स क्या देते हैं, बोलते क्या है मेल और फीमेल गैमेट को. तो फीमेल गैमेट, इन जनरली फीमेल गैमेट तो एग या ओवम कहा जाता है, लेकिन जो मेल गैमेट्स हैं उनके नेम्स थोड़े से डिफर करते हैं. लाइक हायर ग्रुप्स में तो स्पर्म्स हैं ही, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको कहा जाता है एंथेरोजॉइट्स, ओके, दे आर नोन एज एंथेरोजॉइट्स. और हायर ग्रुप्स में दे आर कॉल्ड एज स्पर्म्स, एंड फीमेल को कहा जाएगा एग और ओवम. सो ये तो नेम्स हो गए, एंड ये आपके हीटरोगैमेटी एंड होमोगैमेटी हो गए. अब द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड